चलने वाला है। चलिए भैया यात्री भैया, आप हमारा भी नाम पहुंचा दीजिएगा तो जो धन्यवाद समाप्त हो जाएगा। हम लोग माइक रख के भाग जाएंगे, यहाँ भी यहाँ आपको दिखाई नहीं करेंगे। पहलवानों का इनाम दे दीजिए, क्योंकि शानू भैया उनके घर के आदमी है और वो शाम तक आपको भूल देंगे कहीं ना कहीं, पर हम नहीं भूलेंगे आपको। चलिए जोरदार पहलवान, दोनों भी अच्छे पहलवान। चलिए हमारे साहू जी का कहना है कि आपके लिए हम जोड़ देंगे, आप चिंता न करिए, सभी को इनाम मिलेगा, कोई यहाँ से बिना इनाम भाग नहीं जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी कोशिश, दोनों ही बहुत फूट फूट के पहलवान है। चलिए हमारे हुकुम सिंह पहलवान और शानू पहलवान के लिए जोरदार सन्नाटा छा गया। शानू भैया फायदा उठा रहे हैं घर से जमीन के संबंध दो फीट नीचे गया है। क्या बात है, एक बहुत ही जबरदस्त कुश्ती, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत शानदार पहलवान है। और इस समय शानू पहलवान ऊपर है और हुकुम पहलवान नीचे, देख रहे पहलवानों के बीच मलिन हो रहा है, बैठने का फैसला आता है। अच्छे दोनों पहलवान कोई किसी से कम नहीं है, हाय 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 हाय, कोई किसी से कम नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूरा बचा दिया, क्या बात है, कहीं से कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं, दोनों पहलवान को अगर मजा आ रहा हो तो जोरदार तालियों से आप स्वागत कर दिया जाए दोनों पहलवानों का। अरे भैया पता नहीं आप क्या है, हम आपको सिर्फ तालियां बजाने को बोलते हैं, पहलवान तालियों में कंजूसी करते हैं हमारी तरफ। हाँ वही हम कहना चाहते हैं, तालियां वो नहीं बजाता जिसको कोई क्रम होता है, तालियां वो बजाता है जिसकी बाजुओं में कम होता है। कहते हैं बिना ताली के ससुराल बेकार होती है, वैसे ही बिना ताली के मंदिर बेकार होती है। जोरदार ताली के साथ हर अच्छी कुश्ती कोई किसी से कम नहीं है। चलिए कुछ काम करो, काम करने वाले का नाम होता है। बहुत ही अच्छे दोनों पहलवान, बहुत ही अच्छे पहलवान, एक तरफ शानू पहलवान मौदा युद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकुम सिंह पहलवान को हमारा मौदा की आन बान शान, शानू पहलवान आए हैं।